हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और मैं आज इवनिंग स्नैक में बना रही हूँ पकौड़ी। पकौड़ी इसलिए बना रही हूँ कि आलू बॉइल्ड हुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्या टिक्की बनाऊंगी। चलो मैं यहाँ पे पकौड़ी बना लेती हूँ। और ये हलवा मेरे पास है ना, सुबह का बच गया था ब्रेकफास्ट का, तो मैंने अभी उसे गर्म कर लिया है कि ठंडा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और अब तो सर्दी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा गर्म गर्म ही टेस्टी लगता है। और ये मैं यहाँ पे पकौड़ी बना रही हूँ, प्लेन आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। सिर्फ धनिया मैंने ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, और बेसिक मसालों के अलावा। साथ के साथ यहाँ पे मेरी बन रही गर्मा गर्म चाय। चाय, पकौड़ी और हलवा तैयार है खाने के लिए। कृष्णा खा ले तो बस सब ठीक है, वरना तो सब बर्बाद है। कृष्णा गेट खोलो, कृष्णा गेट खोलो प्लीज, बच्चा मेरा गेट खोल दो। देख देख, ओ जो भी आपकी इच्छा हो। स्टडी करेंगे मैजिक बुक में। ये आपकी मैजिक बुक है। और मैंने कृष्णा के लिए बुक्स बाय की थी, इनके साथ ये मैजिक पेन ना है एंड रिफिल्स आई थी, 10 रिफिल्स। हाँ बनाते जाओ बेटा। इंगेजिंग के लिए, बच्चों के लिए अच्छी है एक्टिविटी है, बच्चे प्रैक्टिस सीखते हैं। जैसे कि वैसे तो ये 3+ है, बट आप 2.5 साल से बच्चों को लेके आ सकते हो। अगर बच्चा आपका 2.5 साल का हो गया, एक ये अल्फाबेट्स वाली जो आप आराम से प्रैक्टिस करा सकते हो। अपने बच्चों को ये पेन दे दीजिए, इसमें ये जो लिखते हैं ना वो अपने आप वाइप हो जाते हैं, क्लीन हो जाता है, तो इसलिए इसे मैजिक बुक बोलते हैं। तो ये तो एक तो इस टाइप की है, आप देख रहे हो इसमें अल्फाबेट्स है कंप्लीटली। पेन कहाँ है बेटा? अच्छा पहले आप लिखो तो सही। एक ही काउंटिंग नंबर्स वाली है, एक प्रैक्टिस कॉपी बुक है प्री स्कूल, ये तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, अभी इसके काम नहीं आने वाली है। ये ड्राइंग की है, रीवा। और डी फोर, ये देखो कृष्णा ने कितना चिंदर चिंदर ए बी और सी बनाया है। और डी भी बनाना आता है क्या आपको? आता है। ओ वाह, डी फोर डॉग, ई फोर एलिफेंट बनाओ, जानता है ये। हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं यार, करने को ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, खाने का भी प्रेशर नहीं है। मैं और मेरा बेटा है, और सासू माँ ने आज खाने के लिए मना कर दिया कि उनके पेट में तो उनको भूख नहीं है, तो फिर उनके लिए भी कुछ नहीं बनाना। ओ ई फोर से पी आ गया, मस्ती करते करते डांस करते करते पी करने गया है।
और अभी टाइम पता है 5:45 है और अंधेरा एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया डार्क कि सर्दियों का वेदर आ गया ना, तो मौसम बड़ी जल्दी चेंज चेंज होता है। और तो फुलहाल थक गए यार, यहाँ नहीं ऐसे से डांस करा करा के दिखाओ कितने बड़े बड़े हो गए। देखो ये देखो बाबू बहुत बड़े बड़े हो गए ना जान। बाहर फिर थ्रो करके आएंगे ना बेटा। आज डिनर में बन रहे हैं पुलाव। पुलाव के लिए राइस और मटर मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, उसमें आलू भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं केसू रोस्ट कर रही हूँ, अनियन रोस्ट कर रही हूँ, पनीर ऐड कर दी थोड़ा सा, इसे रोस्ट क्या बना रही हो? कर रही मेरी हेल्प के लिए आ गया है, देख लो। अब रुको, इसे चलाने दो फिर और चीज डालना, ठीक है ना? डालो क्या डाला मेरे बच्चे ने? साल्ट साल्ट डाला। साल्ट होता है नमक साल्ट। हाँ एंड मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया, हल्की सी हल्दी ऐड की है, रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे राइस और मटर बॉईल कर लिए थे, वो ऐड कर रही हूँ। और हमारे पुलाव बन के तैयार है खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी एंड यमी यमी। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो डिनर में बस आज यही है, पकौड़ी भी मैंने उतार दी थी, मेरे पास थोड़ा सा आलू बच रहा था, मैंने साथ में पकौड़ी भी रख दी। कृष्णा ने पकौड़ी खाना बंद कर दिया आज, इसने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं की थी, तो मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। इसका मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कौन सी चीज़ खाना छोड़ता है, कभी कौन सी चीज़ खाना छोड़ता है। जैसे कि आजकल है ना सब्जियाँ खाना इसने बहुत कम कर दिया, तो मैं मोस्टली है ना इसके लिए पराठे ही बना रही हूँ कि पराठे के थ्रू सब्जियाँ खा ले। तो कभी क्या छूट देता है, कभी क्या, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या बेटा? हाँ बेटा सॉफ्ट सॉफ्ट है बेटा, एक ही पहनते हैं अभी। साइड इफेक्ट ये है कि छूटता ही नहीं है ये बिल्कुल। हाँ लास्ट वापस वापस। हाँ मापी वापस आज आपने बहुत सारे मुझसे बोल रहे साफ साफ कर। वो भी आप कर दो ना, लो आप करो सफाई। अभी आपका मामा बर्तन साफ करेगी बेटा। यहाँ पे कृष्णा सो गया, अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और बस मेरा सारा काम फ्री हो चुका है, कृष्णा सो गया और ये कम्प्लीटली मेरा मे टाइम है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना टाइम अपने आप को दूँ, जो भी मेरा घर का काम होता है ना वो मैं इसके साथ ही फ्री कर देती हूँ।
फिर मैं टाइम नहीं देती। एक्स्ट्रा काम कैसे भी करो पहले अरेंज करना होता है, क्योंकि अगर आप अपना अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, अपने पर्सनल चीजों के लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, तो फिर तो क्या फायदा है। वरना तो वही काम होता है, वही सबके पास बेबी होता है। बट मैं ट्राई करती हूँ यार कैसे भी करके। रेयर केस होते हैं यार सबके साथ, कभी कभी होता है कि हाँ मैं किचन क्लीन नहीं कर पाऊँ, या फिर कोई अदर वर्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो छूट गया है, इसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं वो एक अलग केस है कि मैं करती हूँ। बट हाँ अभी सोच चुका है, और अभी तो मेरे पास आज कोई भी काम नहीं, मैं अपना पर्सनल काम करूंगी। कल जो वीडियो डालना है उसे ही बनाना है, उसे एडिटिंग करनी है, और भी बहुत सारे अपने काम होते हैं। तो बस अब मेरा अपना टाइम स्टार्ट है। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों यार कमेंट कीजिए यार, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की।